गोविंदपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद प्रत्याशी राम प्रसाद सिंह से खास बातचीत। नमस्कार, अभी मैं तो गोविंदपुर प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 में खड़ा हूं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहां के जिला परिषद किन किन मुद्दों पर लेकर खड़े हुए हैं और जनता के बीच क्या क्या समस्या है, उसके बारे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टार सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देते हैं। आज गोविंदपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से खड़े हुए हैं, आप यहाँ के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हम जनता को यही देंगे कि लगातार आज 20 वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं और जन आंदोलन छिड़े हुए हैं। जैसे सिंदरी का हर्ल कंपनी में हम लोग अर्धनग्न जो है ना 2022 मार्च में हम लोग प्रदर्शन किए और जिसमें से 25-30 युवा मेरे संगठन की तरफ से बहाली हुई है और प्रबंधन ये कही है कि आने वाला समय में हम जो है ना औरों लड़का को रखेंगे, जैसे जैसे मेरा कारखाना चालू होगा तो यहीं का पोषक क्षेत्र का जो है ना शिक्षित बेरोजगार, टेक्निकल बेरोजगार सारे लोगों को जो है ना नौकरी देंगे। अगर जनता आपको वोट करती है तो क्यों करेगी जनता आपको वोट? इसलिए जमीन और जनता के बीच में मेरा सीधा संवाद है। 20 वर्षों से हम जन आंदोलन छिड़े हुए हैं और मूलभूत जो समस्या है जनता का, और इसके लिए हमको चुनाव मैदान में आना पड़ा और जनता लाई है, चुनाव जनता लड़ा रही है 12 नंबर सीट से। अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये रहेगा, मेरा लीफलेट में भी पोस्टर में भी है, भय भूख भ्रष्टाचार जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमारा संघर्ष शुरू से रहा है और आज भी रहेगा, आने वाला समय में भी रहेगा। और इसमें सारे मुद्दे जो है ना मतलब निहित है, चाहे वो लाल कार्ड से हो, बीपीएल मैंने कार्ड से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या विकास का जितने भी सारे योजना सेंट्रल का स्टेट का सारे योजना में जो है ना जो पहले जनप्रतिनिधि हुए हैं और नौकर साथ से पदाधिकारी से मिल करके ये लोग साठ गांठ करके जनता को जो है ना दोहन करने का काम किया है, शोषण करने का काम किया, आज उपेक्षित पीड़ित है यहाँ की जनता। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है ये गरीब मजदूर किसान के लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? हाँ, ये शुरू से मेरा आवाज़ यही है और डीवीसी मैथन विस्थापित के लिए जो है ना पंचित ये कोल इंडिया का विस्थापित सभी लोगों से मेरा यही मतलब मैंने निवेदन है कि जो लड़ाई आज 20 वर्षों से हम लड़ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जनता जो है ना आग्रह करके चुनाव मैदान में आने के लिए मुझे कहा और मैं जनता के लिए आया हूँ और जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक जनता की लड़ता रहूँगा और जनता का सेवा करता रहूँगा। अगर आप लोग गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 12 से रामप्रसाद भैया को जिताते हैं तो क्या आप लोग उम्मीद रखे हैं इससे? ये उम्मीद रखे हैं कि हमारा रामप्रसाद भैया जीत के आएंगे तो अच्छा से अच्छा काम करेंगे, हमारा क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं, कुछ महिला भी हमारे सामने मौजूद हैं, उन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं कि महिला लोगों को क्या क्या समस्या है। आप लोग जिला परिषद किसको जिताने का काम करेंगे? हम अपना भैया को जो पूरा समाज में काम लड़ाई के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए, गरीब के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जो कर रहे हैं उनको हम तो जिताएंगे। चलिए, क्या क्या समस्या है आप लोगों का? आपका वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है? हाँ। है? क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ से तो ठीक है, समस्या सुनते जो मन मिलता है वही मिलता है, विधवा पेंशन। और क्या क्या समस्या है? लाल कार्ड है? हाँ।
पानी के, पानी के तो बहुत हम लोग को तकलीफ, कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पानी की बहुत समस्या दिखाई दे रही है। चलिए, पेंशन मिलता है? पेंशन मिल रहा है? और बसत है मिल में मिलो हो? लाल कार्ड हो? नहीं हो तो बना लिए तो ना दे, तो एकर लिए की कर रहे हो? तो की कर रहे जाए तो ना दे वो ना आगे। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया और रोड उड का काम भी हो गया, ये सब बहुत समस्या है। बहुत सारा काम ऐसा कि हो नहीं रहा है, दूसरा कोई जितना काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए काम होना चाहिए। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे रामप्रसाद जी को और इंशाल्लाह और भी करेंगे और जिताएंगे इनको। कहीं न कहीं जनता का सोच है कि रामप्रसाद जी को जिताएंगे और अपने क्षेत्र में खुशहाली लाएंगे। 24 झारखंड बिहार, नमस्कार।